नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे आदिकाल, मध्यकाल और पूर्वकाल के कुछ जो है महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाओं को। और दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले वाली जो वीडियो है नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में जो थ्री डॉट है इन पर क्लिक करके आप आई बटन पर पहुँच जाओगे तो वहाँ पर जाकर आप हमारी पहले वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप वीडियो को देखते जरूर हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोर दबाइएगा, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, DSSB के द्वारा PGT जो पोस्ट कोड है 6972, तो इनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। और अगर आपने अभी तक जो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो हमारी पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमारे द्वारा लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां पर जाकर सीधे जा अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो DSSB PGT हिंदी और जो पोस्ट कोड है 6972/20, तो 3 और 4 जुलाई को इनका जो है एग्ज़ाम होगा, तो इनके एडमिट कार्ड आ गया है, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर शंभु, तो इनकी रचना है पोम चरित, रिठौनी चरित और अष्टनेमी चरित, सरहपा और इनके रहेंगे दोहा कोश, सबरपा चर्यापद, कण्हपा कण्हपाद गीतिका और दोहा कोश, गोरखनाथ इनकी रहेगी नाथ शब्दी पद प्राण संकली और शिष्यादासन, चंद्रवदाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इनके है जो ग्रंथ है ये रहेगा पृथ्वीराज रासो, और शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम इनको महाकाव्य माना गया है, सारंगधर इनकी है हमीर रासो, दलपति विजय कुमार रासो, जगनिक परमाल रासो, नलहन सिंह भाट विजयपाल रासो, नरपति नालह भीषण देव रासो, अब्दुल रहमान संदेश रासक अज्ञात मंजू रासो, देवसान सरवकाचार, जिंदत स्वरूपदेश रसायन रास, आसगु चंदन बाला रस और जिन धर्मसूरी स्थूलीभद्र रास, शलिभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुबली रास, विजयसेन रेवंतगिरी रास, सुमति गणी नेमितनाथ रास इनकी जो है रचना है, और हेमचंद्र इनकी रहेगी सिद्ध हेमचंद्र और शब्द अनुशासनम, विद्यापति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पदावली है मैथिली भाषा में रहेगी, कृति लता कृति पताका अहवट में है, लिखनावली संस्कृत में है, कल्लोल कवि ढोला मारू रा दुहाए इनकी रचना है, और जो मधुकर आचार्य हैं इनकी रहेगी जय मयंक जस चंद्रिका भट केदार जयचंद प्रकाश। और नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तर मध्यकालीन रीतिकालीन रचना और उनके रचनाएं रचनाकार और रचनाएं, तो चिंतामणि जो यहाँ पर रचनाकार हैं इनकी रहेगी कविकुल, कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी और छंद विचार। दोस्तों, एग्जाम में कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और DSSB के द्वारा जो है अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे हिंदी का जो कवि वाला जो पार्ट है वहाँ से जो है अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सी रीति का कौन सा कवि है, तो इस तरह से जो पार्ट बनाए गए हैं वहाँ से अलग अलग जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मतिराम जो है इसमें रसराज, ललित ललाम अलंकार, पंचासी का वृत्त कौमदी, और जो राजा जसवंत सिंह है इनकी रहेगी भाषाभूषण, भिखारीदास इनका है काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, याकूब खां रसभूषण, रसिक सुमति अलंकार चंद्रोदय, दुल्हा कवि कुल कंठावरण, देव इनकी है कृति शब्द रसायन काव्य रसायन भाव विलास भावनी विलास सुजान विनोद और सुख सागर तरंग, कुलपति मिश्र रस रहस्य, सुखदेव मिश्र रस अर्णव, रसलीन का है रस प्रबोध,
दलपति राय, अलंकार रत्नाकर, माखन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माखन का है छंद विलास, बिहारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहारी सतसई इनके द्वारा जो ग्रंथ है लिखा गया है रचना, और जो रसनिधि है ये रहेगी रतन हजारा, गणानंद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुजान हित प्रबंध योगी बेली, इशकलता प्रीति प्रीति पावस और पदावली, एक मलिक मोहम्मद जायसी की भी पदावली है तो वो पद्मावली है, तो ये भी जो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है आलम आलम केली और ठाकुर 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 ठसक, बोधा रहेगी इनकी है विरह बारिश और इश्कनामा, द्विजदेव श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसी, श्रृंगार लतिका, ये द्विजदेव की रचना है। नेक्स्ट है लाल कवि, तो छत्तर प्रकाश प्रबंध काव्य है, और पद्माकर भट्ट, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, ये भी प्रबंध काव्य है, और सुदन सुजान चरित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रबंध काव्य है, कुमान लक्ष्मण शतक, जोधराज हमीर रासो, भूषण शिवराज भूषण, शिवा बावनी छत्रसाल दशक, और वृंद की है वृंद सतसई, राम सहाय दास इनकी है राम सतसई, दीनदयाल गिरी अन्योक्ति कल्प द्रुम, गिरिधर कविराय इनकी है स्फुट छंद, गुरु गोविंद सिंह इनकी है सुनीति प्रकाश सर्वसोलह प्रकाश चंडी और चरित्र। आगे है यहाँ पर पूर्व मध्यकालीन भक्तिकालीन रचना और रचनाकार, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कबीर की रचनाएं, तो संख्या शब्द रिमैनी जो इनकी है और बीजक में ये संकलित है। रैदास तो इनकी है यहाँ पर वाणी नानक देव की ग्रंथ साहिब में संकलित है, और सुंदरदास सुंदर विलाप, मलुकदास इनकी रचना रतन खान ज्ञान बोध, असाहित की हंसावली, और मुल्ला दाऊद चंदायन या लोक लोर कहा, मंजन मधुमालती कुतुबन मृगावती उस्मान इनकी रचना है चित्तरवती, और मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत, अखरावट आखिरी कलाम और कन्हावत, आलम जो है इनकी रहेगी माधवानल और काम कंदला, शेख नबी ज्ञान दीपक इनकी रचना है, पुहकर रसरतन और दामोदर कवि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लखम सेन पद्मावती कथा, नंददास रूपमंजरी और ईश्वरदास इनकी है सत्यवती कथा, नूर मोहम्मद इनकी है इंद्रावती अनुराग और बांसुरी। आगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि रहेंगे, तो जैसे यहाँ पर सुरसागर सुरसावली साहित्य लहरी सुर लहरी और भ्रमर गीत सुरसागर से संकलित है, सूरदास की रचना है, और जो कुंभन दास है इनकी रचना है फुटकल पद, परमानंद दास परमानंद सागर, कृष्णदास जुगलमान चरित्र, छीत स्वामी इनकी है फुटकल पद, गीत गोविंद स्वामी और इनकी है फुटकल पद दोनों की, उसके बाद चतुर्भुज दास ये है द्वादश्यस भक्ति प्रताप हित जो को मंगल, नंददास इनकी रचना है रस पंचाध्यायी भवन गीत प्रबंध काव्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो श्री भट्ट है युगल शतक हित हरिवंश और इनकी रहेगी हित चौरासी, स्वामी हरिदास हरिदास जी के पद, ध्रुवदास का भक्त नामावली और रसलावनी। नेक्स्ट है नरसी जी का मायरा गीत गोविंद टीका, और ये राग मीराबाई के हैं, और जो गोविंद राग सोट के पद ये भी इनके हैं, रस खान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रेम वाटिका सुजान रस खान दाल लीला, तो ये इनकी रचना है, नरोत्तम दास इनकी रहेगी सुदामा चरित्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे राम भक्ति का व्यधार के कवि और उनकी रचनाएं, रामानंद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राम आरती रहेगी, और अग्रदास रम अष्टायम राम भजन मंजरी, ईश्वरदास इनकी है वर्तमिलाप और अंगद पैज, तुलसीदास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जय रचना है, तो इनकी रचनाएं हैं यहाँ पर रामचरितमानस, गीतावली कवितावली विनय पत्रिका दोहावली कृष्ण गीतावली पार्वती मंगल जानकी मंगल बरवई रामायण और रामज्ञा प्रश्नावली वैराग्या संदीपनी राम लल्ला नच्छू, ये तो जितनी भी यहाँ पर जो है दी गई हैं सभी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभादास भक्तमाल केशवदास रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है और नरहरिदास परुषे रामायण, आगे जो है इसमें
चीहल ये पंच सहेली है और लालच दास इनकी रही हरिचरित भागवत दशम स्कंद भाषा। महापात्र नरहरि मंदिर जी इनकी रहेगी रुक्मणी मंगल छप्पन नीति और कवित संग्रह हैं। और जो आगे दिया गया है जैसे मनोहर कवि सतप्रश्नोत्तरी बलभद्र मिश्र हनुमान नाटक और आगे यहाँ पर जो केशवदास हैं इनकी रहेगी जैसे कवि प्रिया रसिक प्रिया वीर सिंह देवचरित विज्ञान गीता रत्नावावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। नेक्स्ट है यहाँ पर जहांगीर तो इनकी रचनाएं रहेंगी विज्ञान गीता रत्नावावनी और जस चंद्रिका। और आगे है रहीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रहीम के दोहे आपने सुने होंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। तो रहीम दोहावली सतसई बरवई और नायिका भेद श्रृंगार सोठा मद नाष्टक रास पंचत है। तो नेक्स्ट है इसमें सेनापति और ये कि रहीम के रत्नावली। तो नेक्स्ट है इसमें सेनापति काव्या कुलपतरुम और जो पोहकर कवि है रस रतन सुंदर सुंदर श्रृंगार लालचंद का पद्मिनी चरित्र। आगे इसमें जो है अष्टछाप के कवि हैं जैसे वल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास कुंभनदास परमानंदास और कृष्णदास। विठल के शिष्य हैं तो यह है छेद स्वामी गोविंद स्वामी चतुर्भुज दास और नंद दास। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के आदि मध्य पूर्व काल से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोर दबाए जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।